हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हम आ गए हैं एक नए व्लॉग के साथ और हम जाने वाले हैं खेत में और आपको दिखाएंगे यहाँ का सीन। और ये देखिए, ये चिड्डा कहाँ जा रहा है, मछली पकड़ने जा रहा है। ए सर, इधर पब्लिक को हाई करो। हाय गाइस, कहाँ जा रहा? मछली मारने। कितना लेके आएगा? करीबन 2.5 किलो। 2.5 किलो? हाँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दे यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ चल, तो फिर देखता हूँ कैसे पकड़ता तू। वीडियो का थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक किया होगा तो आप लोगों को बताएंगे कि एक अपने बीच में एक नया बीमारी आ चुका है। कोरोना जा रहा है और एक नया बीमारी आ रहा है, उसका नाम है मंकी पॉक्स। तो फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स जैसे घातक बीमारी के बारे में बताने से पहले थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये व्लॉग चैनल है और न्यूज़ चैनल नहीं है जिस जो कि मैं न्यूज़ बताऊँ। लेकिन अपनों की सुरक्षा के लिए ये मुझे करना पड़ रहा है कि थोड़ी सी आपको सतर्क कर दिया जाए। तो पहले चलते हैं, खेत जाने का रास्ता तो लगभग ब्लॉक हो गया जैसा लग रहा है। देखिए, साइड में फिशिंग मास्टर बैठे हैं, 2.5 किलो मछली पकड़ने वाले। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग। चलो पहले जाते हैं, फिर इनके पास आते हैं और इनसे बात करेंगे कि कितना इन्होंने पकड़ा है। रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। आप देख सकते हो कि पूरे जगह पे पानी भर चुका है और हमारे यहाँ के दादा ने यहाँ पर वाटरप्रूफ, क्या बोलते, धान, वाटरप्रूफ धान लगाया है, तो वो भी डूब चुका है अभी फ़िलहाल के लिए। तो देखते हैं वो वापस ऊपर आ पाएगा या फिर नीचे ही मर जाएगा। तो यहाँ से जाने का रास्ता था हमारे खेत में, ये देखिए, यहाँ से उस साइड एक क्या झोपड़ी दिख रहा होगा, वहाँ पर हमारा खेत है। तो वहाँ पे जाने का तो अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जाएंगे तो अब दूर से घूमकर, जो कि काफ़ी लंबा पड़ता है, पर कोई नहीं, अब जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। यहाँ पे तो पूरा पानी ने डमाडोल कर चुका है। तो चलिए फिशिंग मास्टर से मिलते हैं। अब खेत जाने का तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारे फिशिंग मास्टर काफ़ी ताक में लगे हुए है, लगता है सिग्नल मिल रहा है इनको। चलो जूम करके देखते हैं। हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जगह पर हिल रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, गया गया गया, वो खाली आ गया, फ्लॉप। इससे पहले इनके साथ एक सीन हुआ था, उस बारे में पूछते हैं, वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ, कोई नहीं, पर बात करते हैं इनसे कि पिछले बार इनके साथ क्या हुआ। चलो इनके साथ क्या हुआ देखते। इधर आओ, आपसे बात करना है। 2.5 किलो पकड़ने वाले मछुआरे, इधर आओ। सुन नहीं रहा हूँ। अरे बात कर ले यार थोड़ी सी यार, फिर मैं जा रहा है यार। कितनी मच्छी पकड़ी? दो। बस वो मेरे को कहीं ला रहा। इसका सिग्नल पट्टी हिल चुका है, दिख नहीं रहे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, हमारे फिशिंग मास्टर का जवान थोड़ा सा फिसल गया था, इसलिए बात इधर उधर निकल गई। तो फिर से पूछते हैं, चलो बताइए अभी आपके साथ क्या हुआ। अरे भाई, मेरा मच्छी फिसल गया यार। मच्छी फिसल गया? मतलब हुआ क्या? यानी कि मेरा काटा ले गया। काटा ले गया किसने? मच्छी ने। कितनी बड़ी मच्छी फंसी थी होंगी? फिर भी 2-3 किलो की। 2-3 किलो की? वाह यार। क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स बीमारी एक ऐसे वायरस के कारण होती है जो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस के परिवार का ही सदस्य है। मंकी पॉक्स 1958 में पहली बार एक बंदर में पाया गया था, जिसके बाद 1970 में यह 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया और अब 2022 में इसका पहला केस ब्रिटेन में 6 मई को पाया गया, जिसके बाद देखते ही देखते इसका संक्रमण 70 से ज़्यादा देशों में फैल गया। और अभी वर्तमान में केरल में एक केस देखने को मिला है, जिसके बाद सरकार सावधान हो चुकी है और सावधानी पूर्वक जिस तरह से पहले कोरोना वायरस में सावधानी बरती थी, उसी प्रकार से इसमें भी सेम वही प्रोसेस किया जा रहा है कि जो भी बाहरी लोग आते हैं उनसे दूरी बनाए रखे। और इस बीमारी के लक्षण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना भयानक है, कितना दर्दनाक है, एकदम कटारे छूट गए मेरे तो इसको देख के। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको
जंगली जानवरों से दूर रहना है, और बंदर से तो बहुत ज़्यादा दूरी बनानी है। बंदर हो गया, गिलहरी हो गया, और जो भी जंगली जानवर है उनको कोई ना खाए, क्योंकि उनमें भी ये मंकी पॉक्स के लक्षण हो सकते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहोगे। तो सावधान रहिएगा इस वायरस से, और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक है या ये मंकी पॉक्स वायरस। तो ठीक है, अब हमारा घर भी आ चुका है, वो देखिए नज़र आ गया है।